रहा हूँ और आप स्लाइड पे आप ध्यान रखेंगे, स्लाइड को आप ध्यान से देखें। दोस्तों हम लोग इस एक इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको बहुत कम लोग जानते थे पिछले साल तक अगर मैं बोलूँ, बट आज जो है बहुत सारे लोगों को ये ऐसी इसने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, और जिसमें कि हम जिस कंपनी से जुड़े हैं उसके लिए हम दावे से ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो बनाती है वो कंपनी हमारी AWPL है। दोस्तों ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कैसे करना है, प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी आती है, बट आप ध्यान रखें कि पहले आपके पास प्रोडक्ट ही आएगा। तो प्रोडक्ट के बारे में पहले पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बाद की बात है, अपॉर्चुनिटी सेकेंड उसके साथ आएगी, बट आपको प्रोडक्ट के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो आज हमारा एक होल सोल पर्पज़ यही रहेगा कि आपको वेलनेस कोच आपको बनाएं, हम लोग सेशन जो भी आपको दें आप लोग उसका पूरी तरह यूटिलाइज करें, और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग अब तक की रहेगी। दोस्तों ज्यादा समय ना जाया करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आजकल के लाइफस्टाइल के बारे में बात करके। दोस्तों क्या लगता है आजकल का लाइफस्टाइल कैसा चला हुआ है? आपको पता है हम लोग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड मोस्टली रहते हैं, और ऐसे इस तरह से भागदौड़ में लगे रहते हैं हम लोग, पसीने में तरम तर, और ना खाने की सुध, ना ना सोने की, ना पीने की, हम लोग ऐसे ही भागदौड़ में लगे रहते हैं। बट हम लोग अंदर से चाह रखते हैं कि हमें बनना चाहिए ऐसे इंसान जैसा, इस हेल्दी ड्यूड जैसा, ये ड्यूड हम बनना चाहते हैं, हेल्दी बने और सारे काम टाइम पे करें, अच्छे से उठें, सोए, नहाए धोए, खाए पिए। तो दोस्तों इसी के बीच में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है इन प्रोडक्ट्स के रूप में, कि हम सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम आयुर्वेदा जीवन पद्धति को अपने अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम आयुर्वेदा की हैबिट्स को डाल के अपने आप को हेल्दी रखें और साथ में लोगों की लाइफ को भी हेल्दी रखें, और उनके साथ हम अपना ये बिजनेस मॉडल साझा करें, और उनके साथ हम लोग नेटवर्क बना के कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग अपना नाम कर पाए। सबसे पहले डायमंड बनने के लिए सबसे जो बेसिक जो फंडा है वो यही है कि आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जो हम आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट से, जो सबसे ज्यादा हमारा ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों सबको अतुल जी स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है सबको? बिल्कुल साफ से क्लियर है दिख सर, एकदम रहा है? क्लियर। बढ़िया। जी सर, जी सर। ओके ओके ठीक है। इम्यूनोडॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कोई भी नोट्स बनाने के लिए आप झिझके नहीं, आप एक पेन और पेपर या पेन पेंसिल अपना पेपर साथ में रखें, कोई भी चीज ऐसी लगती है जो नोट करने योग्य है उसको नोट कीजिए। बहुत सारी बातें आज आपको नई पता लगने वाली हैं जिससे आपके बिजनेस में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म पे। ओके दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इम्यूनोडॉक जो है वो बेसिकली है क्या? दोस्तों इम्यूनोडॉक वॉल्यूम कम आ गया आप लोगों? अब ठीक है? आप ठीक है दोस्तों? ओके जो इम्यूनोडॉक है दोस्तों ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, जिसके अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, आपको किसी भी आपकी बॉडी के आसपास एक ऐसे प्रोटेक्टिव शील्ड बना देना कि आप किसी भी वायरल अटैक को, किसी भी बैक्टीरिया अटैक को आप झेल पाए, आपकी बॉडी उसको दूर रख पाए आपसे। और जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इसको यूज करते हैं तो ये आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम लोग आजकल कोई बीमारी मानते ही नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे हमारे साथ जुड़ गई है कि हमें गैस, एसिडिटी रहती है, और इस चीज को हम नॉर्मल समझते हैं कि ये नॉर्मल चीज है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये, आगे जाके लॉन्ग टर्म पे जाके बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें दे सकती हैं, अस्थमा है एटसेट्रा। 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान इम्यूनोडॉक स्टार्ट कर सकता है। 15 से 20 ml से आप स्टार्ट करें पहले कुछ दिनों तक, उसके बाद आप 30 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं खाने के 1 घंटे बाद। दोस्तों इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट है मैं उसके उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एलोवेरा, त्रिफला एंड पुनर्नवा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, आयुर्वेद हो या वाइटामिन या मिनरल्स कुछ हो, इन वाइटामिन मिनरल्स का, इन हर्ब्स का सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, ये एक से ज्यादा काम करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, और साथ ही साथ कई सारे ऑर्गन्स को, कई सारे टिश्यूज को ये रिपेयर भी करते हैं, जिसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। एलोवेरा त्रिफला आप देखेंगे हमारे ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स में साथ साथ में काम चलेगा। तो एलोवेरा त्रिफला और पुनर्नवा दोस्तों यहाँ डाइजेशन इंप्रूव करने, पुनर्नवा भी डाइजेशन के लिए आपको दिख रहा है, अभी आगे जाके लिवर के लिए भी दिखेगा आपको। तो आप कंफ्यूज ना हो कि एक हर्ब ऐसी भगवान ने मतलब हमारे लिए ऐसी नहीं बनाई कि एक हर्ब का एक ही काम है, एक हर्ब जो है वो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं काफी ऑर्गन्स को, काफी पार्ट्स को वो बिल्कुल ठीक करती है, उनके लिए बेनिफिशियल होती है। तुलसी, जिंजर और मुलेठी दोस्तों आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है दोस्तों कि आप लोगों को सांस लेने में आपकी लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स को ठीक रखती है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बिल्कुल ठीक रखती है। अश्वगंधा दोस्तों, अश्वगंधा का नाम जैसे आपने सुना होगा, अश्वगंधा मतलब अश्व की स्मेल वाला, घोड़े की स्मेल वाला, ये ऐसा प्लांट, ऐसा हर्ब है जो आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को अच्छा रखता है और बहुत बेनिफिशियल होता है ये मेल्स के लिए खासकर। गिलोय जो है दोस्तों क्रॉनिक फीवर को ट्रीट करता है, एलर्जीज है, अस्थमा, इनको आपसे दूर रखता है। कोकम फ्रूट जो है दोस्तों इसको गार्सिनिया कंबोजिया कहते हैं,
यूजेस तो उसके बहुत सारे हैं, बट मेन यूज उसका इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने में आपके हार्ट से बहुत हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेब एप्पल के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है क्वेरसिटिन नाम का, मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, जो आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने में विटामिन सी से भी ज्यादा कारगर होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे विटामिन सी का एक ही काम नहीं होता ना, सिर्फ आपकी बॉडी स्किन को ठीक रखना या फिर आपकी आईज को ठीक करना, एक्चुअली इसका एक काम और भी होता है जो ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो इम्यूनोडॉक के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपकी बॉडी को एक शील्ड बना देते हैं कि आपको किसी भी तरीके से आपको कोई भी बीमारी लगने के चांसेस जो है वो बहुत 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 कम हो जाते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म लें तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। हम आयुर्वेदिक वेलनेस कोचेस हैं, एक आपको बात समझनी है, हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग डॉक्टर्स नहीं है दोस्तों। तो हम लोग किसी को भी दावा प्रेजेंट नहीं करेंगे कि हमें ये आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। हम वेलनेस कोच हैं और वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इलनेस कोच हम इलनेस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं। इलनेस इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे बीमार होने के बाद इंसान डॉक्टर के पास जाता है। हम बोलते हैं हम ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देंगे, ऐसे हर्बल जूसेस देंगे कि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप इल हो नहीं, मतलब आप बीमार नहीं पड़ सकते। तो इसलिए हम लोग यही बोलते हैं कि आयुर्वेदा है दोस्तों, कम से कम इसको थोड़ा सा 90 डेज, आपको किसी भी अगर प्रोडक्ट को रिकमेंड करें तो बोले कम से कम 90 डेज जो है वो जरूर इसको यूज करेंगे, उसके बाद वो अपना आपसे कुछ फीडबैक शेयर करें अच्छा सा, ठीक है दोस्तों। तो इम्यूनोडॉक दोस्तों पहला प्रोडक्ट है हमारा, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है, एक मिनट दोस्तों, थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट के बारे में आपको बताएंगे, आजकल हम लोग का जीवन इस भाई साहब की तरह हो रखा है, बहुत थके थके फील करते हैं हम लोग, और हमेशा जो है थकावट से हमारे शरीर में फील होती है हमें। तो दोस्तों थंडर ब्लास्ट लेने के बाद आप लोग इस थकावट को बिल्कुल भूल जाएंगे। थंडर ब्लास्ट जो है दोस्तों आपको ऐसा बना देगा, इसको मैं बोलता हूँ मिस्टर चार्ज, ये सुबह शाम बिल्कुल चार्ज रहते हैं और ऐसे एकदम चारों तरफ एकदम अपना ध्यान रखते हैं परफेक्ट तरीके से। और दोस्तों बेनिफिट अगर मैं इसको बताऊंगा तो बहुत मिरेकुलस प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है बहुत, ये आपकी मैरिड लाइफ को दोस्तों इम्प्रूव करता है, मेल्स के लिए स्टेमिना ये इम्प्रूव करता है, अगर उनको कोई पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स कुछ प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्री इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट लो है जिससे पिता बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, तो उसमें बहुत कारगर है दोस्तों। इसमें मोती भस्म, लोह भस्म, वांग भस्म है दोस्तों, जो बेसिकली स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल होती है। थंडर ब्लास्ट मेनली दोस्तों आपके खून को पतला करता है ताकि वो आपकी सबकी सब नर्व से जो भी आपकी बॉडी में नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल ठीक रख सको, आपकी बॉडी में ब्लड जो है ढंग से फ्लो कर पाए, सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के कोने कोने तक पहुंच पाए, ब्लड का काम यही होता है दोस्तों। और किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, क्लॉट्स है नर्वस सिस्टम में, उनको ठीक रखता है, आपकी बेसिक पावर को बढ़ाता है, मसल्स पावर को बढ़ाता है दोस्तों। और उसके बाद इसमें सिंदूरस होता है जो वीकनेस को ट्रीट करता है, एंटी एजिंग होता है आप समझ लीजिए, और अल्जाइमर प्रॉब्लम, आपकी भूलने की बीमारी को अगर किसी को है, शिलाजीत है, तो वो अल्जाइमर भूलने की बीमारी को ठीक करता है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है दोस्तों, एजिंग होती है तो एजिंग को वो आपकी कम करता है। केसर एंड गोखरू, केसर और गोखरू दोस्तों स्टेमिना है, मेल फर्टिलिटी के बहुत कामगर है। सफेद मूसली है दोस्तों, वो आपका स्पर्म काउंट बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अगर मैं बता पाऊँ आपको एक लाइन में तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट है बहुत अच्छा मेल्स के लिए, आप इसे फीमेल्स को भी दे सकते हैं, सारी सारी जरूरतें फीमेल्स को भी होती हैं। और दोस्तों अगर नर्व से रिलेटेड बात करें, अगर नसों से रिलेटेड बात करें तो ये रामबान है, आपके जनरल वीकनेस के लेवल को दोस्तों कम करता है, नॉर्मल आपको ये काफ़ी चीज़ें बढ़ाता है, आपको हेल्दी रखता है। डायबिटिक पेशेंट को दोस्तों हम लोग डायबिटिक पर्सन को इम्यूनोडॉक हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग इम्यूनोडॉक डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं, डायबिटिक पेशेंट को थंडर ब्लास्ट देते हैं दोस्तों। ये किसी भी तरह के बॉडी इन्फेक्शन, ब्लड सेल्स के इन्फेक्शन में बहुत कारगर है, आपके नसों को खोलता है और ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो होने देता है। तो थंडर ब्लास्ट दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा 15 से 20 ml से स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार जब हम इसको एक्स्ट्रा 30 ml से स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमें मोशंस भी लग जाते हैं। मोशंस लगने का ये मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट ऐसे हैं, मोशंस लगने का मतलब ये है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट काम करना मतलब काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों थंडर ब्लास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग इम्यूनोडॉक की हेल्प भी देते हैं, क्योंकि इम्यूनोडॉक का काम यही है कि सारी जो चीजें आपकी डाइजेशन उसको ठीक करके आपकी बॉडी के कोने कोने में टिश्यूज और ऑर्गन्स में सारी एनर्जी को पहुंचाए, ठीक है दोस्तों। थंडर ब्लास्ट हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, उसको हमें इम्यूनोडॉक नहीं देना है, बाकी सब पेशेंट्स को हम बाकी सब किसी हेल्दी हेल्दी को भी हम इम्यूनोडॉक और थंडर ब्लास्ट दोनों रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है दोस्तों डायबोडॉक। डायबोडॉक के बारे में हम आपको आज समझाएंगे, सबसे पहले हमें डायबिटीज, डायबोडॉक तब समझने के लिए हमें डायबिटीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों।
कि हमारे बॉडी में पेनक्रियास का क्या काम होता है। दोस्तों पेनक्रियास हमारी बॉडी में इंसुलिन जनरेट करता है। अब इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर जाती है, बॉडी में एक्सेस शुगर होती है, इंसुलिन उसको न्यूट्रलाइज करता है। जितनी शुगर हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी शुगर हमारी बॉडी में यूज करके बाकी जो एक्सेस शुगर है उसको इंसुलिन जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। इंसुलिन शुगर का एंटी शुगर होता है बेसिकली वो। दोस्तों दो तरह की डायबिटीज होती है जिसका एक नाम है टाइप 1 एंड टाइप 2। मैं बता दूं टाइप 1 डायबिटीज दोस्तों जो है बेसिकली ये आपके हेरिडिटरी या आपके माता पिता या उनके माता पिता से आपके अंदर आती है, बिकॉज ये बहुत यंग एज में या बाय बर्थ कई बार आपको ये होती है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें हम लोग जो है पैनक्रियाज जो है काम नहीं कर पाते और हमें इंसुलिन को जो है वो बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन डेली हमें लगवाने पड़ते हैं जिससे हम जो खाना खा रहे हैं उसका एक्स्ट्रा शुगर है वो शुगर ना रह के वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए। दोस्तों अगर हम लोग टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो ये ट्रीटेबल नहीं होता, ये क्यूरेबल नहीं है। हेल्पफुल हम जरूर है कि हम इतनी हेल्प जरूर कर सकते हैं कि आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन आपको बता देंगे अभी। टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज में हम लोग, मैं इसको बोलूंगा ये आपके लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल बीमारी है, क्योंकि ये हमने अपनी अपनी आदतों की वजह से इसको अपने अंदर डाल रखा होता है। जैसे मान के चलिए आप खाना टाइम पर ना खाना, ज्यादा खाना, कम खाना, अपच खाना, या फिर ये मान लीजिए आपको एक खाना आपका पूरी तरह अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने दोबारा खाना शुरू कर दिया, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना लेटने का टाइम, ना काम करने का टाइम। दोस्तों क्या होता है फिर, इससे क्या होता है, पैनक्रियास को बहुत हाई रेट पर इंसुलिन क्रिएट करना पड़ता है, बहुत हाई रेट पर, ताकि ग्लूकोज और शुगर को है जो हम बैलेंस कर पाए, जो कि डिसबैलेंस कर देता है पैनक्रियाटिक फंक्शन को, वो ढंग से काम नहीं कर पाता और फिर आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो चार पांच इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं जिनका मेन काम होता है आपके शुगर को कम करना, वो कैसे करते हैं हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों करेले के अंदर बेसिकली एक पेप्टाइड पाया जाता है जो इंसुलिन की तरह काम करता है, इसको हम पी इंसुलिन भी कहते हैं। इसलिए करेले का रस जो है वो हम रिकमेंड करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। उसके बाद सर इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है शेरेंटिन, CHARANTIN, शेरेंटिन, ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को नेचुरली कम करता है। फिर जामुन की बात करें दोस्तों, जामुन में एक एंजाइम पाया जाता है जम्बुलिन नाम होता है, जम्बुलिन। ये दोस्तों आपके खाने में खाए हुए स्टार्च को ना ग्लूकोज में नहीं बदलने देता, तो स्टार्च का काम स्टार्च करेगा, शुगर और शुगर ज्यादा बढ़ेगी नहीं। दोस्तों फिर आता है आपका ग्वार पाठा रस जिसको हम एलोवेरा रस भी कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर आइमोडीन नाम का एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है और भूख शांत करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुड़मार। गुड़मार दोस्तों एक पौधा है जिसको हम मधुनाशिनी या विषानी भी कहते हैं, काफी सारे राज्यों में पाया जाता है हमारे इंडिया के। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि गुड़मार का मेन काम होता है दोस्तों, जो आपका मीठा खाने की तलब है ना, मीठा खाने की तलब को कम करता है गुड़मार। दोस्तों त्रिफला के बारे में तो आप जानते हैं, त्रिफला का मेन काम होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना, ताकि आप जो भी खा रहे हो, जो भी आप जूसेस पी रहे हो, इनको प्रॉपर पूरी तरह से डाइजेस्ट करें और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी के कोने कोने में पहुंचाए। दोस्तों बेसिकली डायबिटिक का काम यही है, टाइप 1 टाइप 2 कंट्रोल करने में काम आता है। मैं आपको इसके बारे में कॉम्बिनेशन दे देता हूँ जो टाइप 1 डायबिटीज में आपको शुगर इंसुलिन से बचा सकता है। आप लिख सकते हैं दोस्तों, डायबिटॉक के साथ आप दें थंडर ब्लास्ट और पंच तुलसी ड्रॉप। ये बट ये दोस्तों ट्रीट नहीं हो पाता, बट आप इंसुलिन इनटेक का रोक सकते हो। डायबिटॉक आपको खाने से एक घंटा पहले लेना है, थंडर ब्लास्ट आपको खाने के डेढ़ घंटा बाद लेना है, और पंच तुलसी ड्रॉप आप अपने किसी भी तरह के पेय जल में या पेय चाय में आप इसको एक आधी बूंद आप डाल के यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है तो आप त्रिफला रस और इसमें ऐड करेंगे। त्रिफला रस खाने के एक घंटे बाद लेना है और थंडर ब्लास्ट खाने के डेढ़ घंटे बाद लेना है। दोस्तों जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमेशा उन कॉम्बिनेशन के बीच में, उन जूसेस के बीच में, उन प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बीच में आपको 30-30 मिनट्स का एटलीस्ट गैप रखना है और 15-20 ml दिन में दो बार आपको देना है, तो आपको इससे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको टाइप 1 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन लेने आपका शायद आने वाले टाइम में बिल्कुल बंद भी हो जाता है। दोस्तों बेसिकली और मैं बताता हूँ आपको, जो शुगर है ये आपके ब्लड, डायबिटीज आपके ब्लड को ये गाढ़ा करती है, जिससे आपको सेक्सुअल डिसीजेस तक बहुत सारी होने के चांसेस रहते हैं और उससे इम्पोटेंस के चांस, बहुत सारे केसेस में इम्पोटेंट भी लोग हो जाते हैं। दोस्तों आप इस डायबिटीज से बच के रहें, जिसको भी जरूरत है प्लीज आप डायबिटॉक और थंडर ब्लास्ट को प्रमोट करें। अगर वो उसको कॉन्स्टिपेशन भी है तो त्रिफला रस जरूर दें टाइप 1 के लिए।
टाइप टू के लिए ये काफी टाइम मतलब जो है ये आपको बहुत जल्दी कंट्रोल में आने के चांसेस होते हैं। फिर भी दोस्तों हम वेलनेस कोचेस हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। प्लीज 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 कोई भी चीज किसी को प्रमोट करने से पहले बिल्कुल हम कहते हैं कि डाइटिशियन की या डॉक्टर की देख रेख में लें, क्योंकि हम लोग फिर बोल रहा हूँ वेलनेस कोचेस हम लोग ठीक लोगों को ठीक रखते हैं। तो जब भी ये कुछ किसी को आप प्रमोट करें तो आप बिल्कुल उनको बोलें कि आप अपने डॉक्टर की देख रेख में उनसे पूछ के उनसे डिस्कस करके उनसे कंसल्ट करके आप ये लें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है दोस्तों गायनोडॉक। गायनोडॉक के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, स्पेशली हमारी माताओं और बहनों के लिए ये मेन जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी कह लीजिए या बिल्कुल एकदम उनके लिए ये वरदान है। क्योंकि कई बार क्या होता है लेडीजों को भी बहुत ज्यादा इंटरनल गायनिक प्रॉब्लम होती है। गायनिक प्रॉब्लम दोस्तों जब उनका मेन जो फर्टिलिटी सिस्टम है या उनका जो हार्मोनल सिस्टम है या उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जब डिस्टर्ब रहता है तो उनको गायनेक की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों इसके अंदर इतने सारे प्रोडक्ट हमने बिल्कुल सही मात्रा में डाल रखे हैं जिससे सारी हमारी माताएं और बहनें जो है वो बिल्कुल ठीक और स्वस्थ रह सके हैं। जिनको कभी प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, जिनको मासिक धर्म की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, पीड़ा बहुत होती है, बहुत कम दिन का मासिक धर्म रहता है या बहुत ज्यादा दिन का हो जाता है, 2 से 3 दिन का होता है या 8 से 10 दिन का होता है। नॉर्मल इसकी साइकिल जो होती है दोस्तों वो 5 से 7 दिन की होनी चाहिए। अब देखिए इसके अंदर अशोका नाम का एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है जो आपके जो माता और बहनों के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को बिल्कुल ठीक रखता है। पीसीओडी अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसमें ठीक करता है। आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है दोस्तों और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। दोस्तों जब भी स्किन डिटॉक्सिफाई की बात होगी या हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई की बात होगी तो ऑल उसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों स्किन पे जरूर पड़ेगा। स्किन आपकी बिल्कुल खुद ही ठीक होती जाएगी। तो सब फिर इसमें अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को कम करता है, आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करता है दोस्तों और आपको मेमोरी आपकी शार्प करता है। फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है शतावरी इसके अंदर। दोस्तों शतावरी का काम होता है बेसिकली हार्मोनल बैलेंस को और पीएच बैलेंस को मेंटेन रखना फीमेल्स के अंदर। आपके 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 जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन है, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। मेनोपॉज के दौरान दोस्तों बहुत समय काम आपके काम आता है। इसमें दोस्तों दारू हरिद्र नाम की एक वो होता है जो कि आपको स्किन प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर रखता है। दोस्तों चिरायता है इसके अंदर जो आपको आपकी कॉन्स्टिपेशन या आपको खाने या पच खाने में प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल ठीक रखता है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है बिकॉज इसमें हार्मोन्स जो है उनके हार्मोनिकल चेंजेस जो होते हैं वो सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है। आपके फेस पे पिगमेंटेशन जो है दोस्तों दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, जाइयां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ल्यूकोरिया की दिक्कत अगर है आपको, ल्यूकोरिया दोस्तों फीमेल्स में यूरिनल इन्फेक्शन जब होता है तब ल्यूकोरिया के चांसेस मतलब ल्यूकोरिया हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूरिन पास करने में। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें हमने ऐसे रिजल्ट भी देखे हैं कि माता और बहनों को कई बार किसी कारणवश माँ बनने के लिए अगर दिक्कत होती है तो ये प्रोडक्ट जो हमारा सर उनको माँ बनने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। इससे जो है अगर फेलोपियन ट्यूब्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या आपका एग जो है वो एग फॉर्मेशन आपकी बॉडी में ढंग से नहीं हो पाता है तो ये चांसेस है कि आपके गायनेक सिस्टम को ठीक करके आपके हार्मोनल सिस्टम को ठीक करके आपके कंसीविंग चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने लाइव एग्जांपल देखे हैं जिसमें माताएं बहनों जिनको ये मना कर दिया गया था कि आप जो है मदर नहीं बन सकते हैं, कंसीव नहीं कर सकते, तो उनमें भी ये रिजल्ट पाए गए हैं। प्रॉपर हार्मोनल सिस्टम को हील करता है दोस्तों और मेंटल और फिजिकल हेल्थ को जो है वो बिल्कुल ठीक रखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ गायनोडॉक के बारे में आपको पता लगा होगा। इसको भी आप वही 15 से 20 ml तक आप यूज कर सकते हैं, दिन में 2 बार 30 ml तक जाइए बेस्ट यूज के लिए। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो आपको 30 डेज के अंदर कंज्यूम करना है, 30 डेज के अंदर इसको आप खत्म करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों बात करते हैं लिवरडॉक के। लिवरडॉक के बारे में सबसे पहले देखिए नीचे दोस्तों दो मैंने लिवर की फोटो डाल रखी है। आप देखेंगे दोस्तों एक हेल्दी लीवर है और एक अनहेल्दी लीवर है। दोस्तों हेल्दी लीवर बिल्कुल खून के कलर का होता है, देखिए जैसा ब्लड का कलर होता है हमारा वैसे लीवर होता है। दोस्तों इसको बता दूं, इसको हम सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहते हैं, ये दूसरा मस्तिष्क होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये ही गाइड करता है सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कि आपको बॉडी के किस पार्ट में, किस टिश्यू में, किस सेल में आपको जाना है। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और हम इसको खराब करते हैं एक्सेस अल्कोहल पी के या तला बुना ज्यादा खा के फैटी लिवर होता है। दोस्तों लिवर रिजुवेनेशन के लिए लिवरडॉक इज द बेस्ट प्रोडक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को लिवर 70% तक जिसका लिवर
कभी खराब था दोस्तों, उसको भी हमारे लीवर डॉक ने ठीक किया, आप समझ लीजिए दोस्तों। लीवर डैमेज लीवर के लिए जो बेसिकली काम करती है यहाँ पे, वो कुटकी और पुनर्नवा है जो लीवर को रिजुवेनेट करती है। लीवर को आप सोचिए दोबारा से उसको वर्किंग वर्किंग कंडीशन में लेके आती हैं। तो इसमें चिरायता है दोस्तों, जो आपके टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालता है, एंटी पैरासाइटिक होता है दोस्तों। फिर काशी है, आपकी यूरिनरी डिसीज को बिल्कुल ठीक रखती हैं, कोई हेपेटाइटिस होने के चांसेस कम कर देती हैं दोस्तों। भृंगराज है इसके अंदर, भृंगराज जो है आपके लीवर पे जो टॉक्सिक लोड पड़ा होता है उसको कम करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। मकोया दोस्तों आपके लीवर को स्ट्रेंथ देता है और जॉन्डिस से लड़ने की आपको आपको ये जॉन्डिस से लड़ने की बहुत ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रॉपर इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लीवर की हेल्प करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। ये कुटकी और पुनर्नवा डैमेज लीवर को ठीक करते हैं। 70% तक जिनका लीवर डैमेज होता है वो भी लोग हमारे इस लीवर डॉक से ठीक हुए हैं दोस्तों। फैटी लीवर किसी का हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल है, आपके लीवर की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एनहेंस करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है दोस्तों। इसमें एलोवेरा रस है, त्रिफला एक्सट्रैक्ट है हमारे पास दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस ए, जिसको हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं दोस्तों, उस बीमारी में भी ये बहुत कारगर है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये भी वायरस से इन्फेक्टेड डिसीज होती है, जिसको हम एसटीडीज बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, इनमें भी ये यूजफुल है। और दोस्तों किसी और तरह की किसी भी लीवर की प्रॉब्लम में लीवर डॉक जो है दोस्तों हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरे दिमाग को, दूसरे अपने मस्तिष्क को, बॉडी के बिल्कुल ठीक रखना है। जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको आप राय दीजिए कि अल्कोहल को कम करें या फिर बिल्कुल ही ना पिए, छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, लीवर आपका ढंग से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। प्लस लीवर डॉक आप इसको रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। 15 से 20 ml से स्टार्ट करें और 30 ml तक दिन में 2 बार ही आपको कंज्यूम करना है इसको, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक के बारे में आज आपको हम बहुत सारी बातें ऐसी बताएंगे जो शायद पहले आपको नहीं पता थी। व्हीट ग्रास, पुदीना, तुलसी के बारे में तो ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते वो मेन प्रोडक्ट है अल्फा अल्फा। दोस्तों अल्फा अल्फा को ये समझ लीजिए वनस्पतियों का पिता कहा जाता है। उसका एक रीजन है, क्या रीजन है दोस्तों, नॉर्मल जो पेड़ पौधा या होता है उनकी जो जड़ें हैं दोस्तों वो जमीन के नीचे 2 से 3 फुट तक जाती हैं, और अल्फा अल्फा की जड़ें जो है दोस्तों 30 फुट तक नीचे जाती हैं। आप सोच के चलते हैं 30 फुट तक नीचे, मतलब 3 बिल्डिंग, अगर सॉरी एक बिल्डिंग की 3 फ्लोर नीचे जाए तो वो 30 फुट होता है, तो 30 फुट जमीन के नीचे जाती है। इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए खनिज पदार्थों का, मिनरल्स का सबसे बेस्ट सोर्स है। आपकी बॉडी में कोई बॉडी इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन हो तो उससे आपको आपको बिल्कुल लड़ने में मदद करेगा, यूरिन लेवल को दोस्तों आपके इंक्रीज करेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि इसमें व्हीट ग्रास भी है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, कोलेस्ट्रॉल को दोस्तों कम करता है, तो इसलिए आपके हार्ट के मसल्स को इम्प्रूव करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम में बहुत खास कर है तुलसी और पुदीना की वजह से, एंटी कैंसर प्रोडक्ट है सारे दोस्तों इसके अंदर, एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हेल्दी इंसान को क्लोरोडॉक बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज उससे इंसान हमेशा हेल्दी ही रहेगा। 15 से 20 ml से स्टार्ट करके दोस्तों 30 ml तक दिन में 2 बार आप बेस्ट यूज के लिए ले सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक के बारे में आपसे बात करेंगे हम पहले कुछ, ये मैंने हार्ट की 2 फोटो यहाँ डाल रखी हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो एक हेल्दी हार्ट है, एक ओबीज हार्ट है। ओबीज मतलब एक मोटापे से, मोटे बंदे का हार्ट है, एक मोटापे से ग्रसित इंसान का हार्ट है ये, तो आप समझ लीजिए, देख सकते हैं आप एक हेल्दी हार्ट में कितना क्लियर है, आपको आर्टरी सारी दिख रही हैं। और एक ओबीज हार्ट में देखिए सर, ये जो कोलेस्ट्रॉल की परत है ये उन नसों के ऊपर चढ़ी हुई है, आर्टरीज के ऊपर चढ़ी हुई है, जिससे आपकी जो है वो जो ब्लड का जो कैरी है वो इन आर्टरी से नहीं हो पाता है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको इनके बारे में, ध्यान से आप सुने और नोट्स बनाएं जो आपको जरूरी लगते हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो अर्जुन छाल है दोस्तों, ये आपके हाई बीपी को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है दोस्तों। दालचीनी जो है हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है और हार्ट डिसीज से आपको बिल्कुल दूर रखता है। जटमानसी दोस्तों, जटमानसी का काम यह है, ये नेचुरल न्यूरिन टॉनिक है जो आपकी नर्व्स को खोलता है, या आपकी नर्व्स को खोलता है
और जो है आपसे जो ब्लड का कैरी है, जो हार्ट से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, उनको बिल्कुल ठीक रखता है दोस्तों। त्रिफला है, एलोवेरा है, गूगल है, ये तो जरूरी है जो आपकी बॉडी के ये बिल्कुल इस हर्ब्स के लिए बेस बनते हैं आपकी बॉडी में। त्रिफला और एलोवेरा अपना काम हर जगह करते ही करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो दोस्तों, उसको मेंटेन करते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में बढ़ाते हैं। कार्डियक अरेस्ट के चांसेस को दोस्तों कम करते हैं, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हेल्दी हार्ट फंक्शंस इंप्रूव करते हैं। जब आपको कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड फैट जो है वो आपके हार्ट से हट जाता है, तो हेल्दी हार्ट फंक्शंस बढ़ेंगे। ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट के अंदर इंक्रीज होगा, ताकि आपका हार्ट अच्छे से ब्लड पंप कर सके और वो पूरी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड को पचा सके। ठीक है दोस्तों, कार्डियो डॉक दोस्तों, इस प्रोडक्ट को हम खाली पेट दे सकते हैं। वैसे प्रोडक्ट जो है खाली पेट होना चाहिए, और जिसको भी बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है आप उसको कार्डियो डॉक दे सकते हैं। और कुछ अगर एक प्रोडक्ट और ऐड करना हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बेरी डॉग जूसेस के अंदर जरूर ऐड कीजिए, जिसमें वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसके बारे में अभी आगे चल के पढ़ेंगे, टाइम रहा तो बिल्कुल पढ़ेंगे उसके बारे में भी। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। खाली पेट इस प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, ठीक है ना, 15-20 ml से स्टार्ट करके 30 ml ट्वाइस अ डे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक की बात करते हैं दोस्तों। नीचे हमने आपको एक फोटो दी हुई है जिसके अंदर एक हेल्दी जॉइंट की फोटो है, एक रेमेटॉइड अर्थराइटिस है दोस्तों। आप देखेंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस में आपके जो लिगामेंट है, बोन के लिगामेंट, वो बहुत वीक हो जाते हैं, वो चटकने शुरू हो जाते हैं, दर्द बहुत होता है उसके अंदर, असहनीय दर्द होता है। कई बार आपके जो बोन जो है दोस्तों, आपका इरोजन टूटना शुरू हो जाता है अपने आप ही, और कार्टिलेजेस जो है वो अपनी जगह से हटने लग जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर निर्गुंडी, मलकांगनी और मेथी एक्सट्रैक्ट हैं, जो आपकी पेन को, जो आपकी बॉडी के जो अंदर पेन हो रहा है इन जॉइंट्स में, बिल्कुल उसको पेन नहीं होने देता है। रसना जो है फ्लेवर के लिए डाला है, और हड़जोड़ और हल्दी के एक्सट्रैक्ट हैं जो दोस्तों, जो आपकी बोन को रिपेयर करने का काम करते हैं। गूगल सलाई गूगल जो है दोस्तों, वो आपके जॉइंट्स में ग्रीसिंग का काम करता है, ताकि आपकी जो है इलास्टिसिटी जो है बिल्कुल आप अपने जॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से हटा पाए। ऑर्थोडॉक्स दोस्तों यूजफुल है जॉइंट डिसीज में, ऑस्टियोपोरोसिस में। अगर ऑस्टियोपोरोसिस का नाम नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये हमारी बॉडी की ऐसी दुर्दशा है दोस्तों, मैं इसको दुर्दशा ही कहूंगा, ऐसी दुर्दशा है जिसमें आपकी बॉडी जो है बहुत बॉडी में जो हड्डियां जो आपकी चटकती हैं और टूटने योग्य हो जाती हैं, जैसे इन पर ज्यादा भार पड़ता था वो टूट भी सकती हैं, टूट भी जाती हैं। आपको बैक पेन है, नेक पेन है, स्पॉन्डिलोसिस बैक पेन है, उसमें बड़ा यूजफुल है दोस्तों। आपके नी रिप्लेसमेंट के चांसेस को बहुत कम कर देता है, जॉइंट के गैप को भरता है, वीक लिगामेंट्स उनको स्ट्रॉन्ग करता है, यूरिक एसिड के लेवल को कम रखता है, और सर्वाइकल में बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। या मैं इन शॉर्ट बोलूं, किसी भी तरह की हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें ये दोस्तों बहुत कारगर है, काफी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है, एक मिनट दोस्तों, पंच तुलसी ड्रॉप। इसको मैं बोलता हूँ सुपर हीरो प्रोडक्ट, ये हमारा सुपर हीरो प्रोडक्ट है। सुपर हीरो प्रोडक्ट क्यों है अभी आपको पता लगेगा क्यों है दोस्तों। तुलसी के लिए हम बहुत सारी मिथ हैं वो आपके दूर करेंगे आज। तुलसी में हम लोग तुलसी के पत्तों का हम यूज नहीं करते हैं तुलसी पंच तुलसी ड्रॉप बनाने के लिए दोस्तों, हम यूज करते हैं तुलसी के बीज, जिनको मंजरी कहा जाता है, जो तुलसी के पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगा पार्ट है। देखिए दोस्तों, हम 5 तरह के तुलसी के बीजों को यूज करते हैं, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत या सफेद तुलसी और श्री तुलसी। दोस्तों क्या होता है, मंजरी दोस्तों, तुलसी के सीड्स को मंजरी कहा जाता है, जो कि आप पानी से फ्लोराइड के अमाउंट को कम करती है, फ्लोराइड को घटाती है। दोस्तों आप जब भी पानी पीते हैं तो उसमें बिल्कुल तुलसी के ड्रॉप डाल के पीजिए, आपको यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को, आपके ऑर्गन्स को, ये लंग्स को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बिल्कुल ठीक रखेगी, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी दोस्तों। कफ हो, फीवर हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, कोल्ड हो, वायरल हो, अस्थमा हो, बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। उसके अंदर आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगी, ब्लड को प्यूरीफाई करेगी तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तो दोस्तों आपके स्किन के सेल्स जो है वो हमेशा मतलब निखार में रहेंगे, स्किन आपकी बिल्कुल डेड नहीं पड़ेगी और अच्छी स्किन बनी रहेगी दोस्तों। बहुत सारे बेनिफिट इस तुलसी ऑयल के ये भी है। मान लीजिए आपके हर सर में दर्द हो रहा है दोस्तों, जीभ के नीचे 2 बूंद अगर तुलसी ड्रॉप आप डाल लेंगे और मुंह बंद कर लेंगे तो आपको सर के दर्द में बहुत हेल्प होगी। उसको गले में खराश है, इचिंग है बहुत ज्यादा, आपको सहन नहीं हो पा रहा है, 4 से 5 बूंदे सीधा आप अगर अपने गले में इसको डाल लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसकी कॉम्बिनेशन के साथ बेनिफिट और बहुत ज्यादा है, मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा। सुपर हीरो प्रोडक्ट दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इस प्रोडक्ट को आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, ये हर किसी के साथ काम करता है। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो है हमारा नोनी जूस। दोस्तों नोनी जूस के बारे में बहुत सारी बातें आपको नहीं पता लगेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी बॉडी के लिए काम करता है। ये बहुत सारे एंजाइम ऐसे बनाता है दोस्तों जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। एंजाइम्स दोस्तों वो होते हैं, वो कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों, जो कि हमारी बॉडी में खुद तो कुछ नहीं करते, बट दूसरे कंपाउंड से, दूसरे विटामिन से मिनरल के साथ मिलकर वो आपके लिए जो जो रिजल्ट है वो और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ा देते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स। हमारी बॉडी बहुत सारे एंजाइम्स खुद नहीं बना पाती जो नोनी फ्रूट जूस आपको देता है। और एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होती है फ्रूट्स के अंदर, इसके अभी हम पढ़ेंगे कैसे। और ये कैंसर पेशेंट्स के लिए रिकमेंड किया जा सकता है, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स को दोस्तों वो मेडिसिन ज्यादा दी जाती है जिनकी ऑरेक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उनको मेडिसिन और इंजेक्शन वो लगाते हैं जिनकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसकी इनकी तो 50,000 से भी ज्यादा, इतने ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये बेस्ट सोर्स है आपके एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने का, जो आपके फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। और कैंसर पेशेंट्स को जो बिल्कुल ये डॉक्टर की देख रेख में अगर दिया जाए तो कैंसर से रिकवरी भी बहुत जल्दी पॉसिबल है दोस्तों। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और किसी भी तरह की क्रॉनिक डिसीज है आपको तो उसको आपको ये उसको उसमें हेल्प करता है, आपको ठीक करता है। आपके डैमेज सेल्स को, टिश्यूज को रिबिल्ड करता है, इतनी पावरफुल इसने इसमें एंजाइम है, मैं बात करूंगा उसके बारे में। आपकी बॉडी फैट को कम करता है, बॉडी वेट को रिड्यूस करता है दोस्तों। इसमें एक एंजाइम होता है 09 नाम का, जो आपकी बॉडी के विटामिंस और मिनरल्स के गैप को फुलफिल कर देता है। और दोस्तों इसमें इतनी भी क्षमता है, आपको पता है हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स और टिश्यूज हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है, जिसमें से डेली करोड़ों लाखों मरते हैं और डेली नए पैदा होते हैं। तो दोस्तों जो डेड सेल्स हैं उनको भी रिजुवेनेट और रीजनरेट करने का इसके पास क्षमता होती है। और इस एंजाइम का नाम याद रखिए, जो आपके विटामिंस और मिनरल्स के गैप को फुलफिल करते हैं, इस एंजाइम का नाम भी लिख लीजिए। हेल्दी इंसान को नोनी जूस जरूर लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और सारी चीजों से आपको दूर रख के ऑक्सीजन की जो है वो कैपेसिटी आपकी बॉडी में बिल्कुल ठीक रखता है, और आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। 30 ml ट्वाइस अ डे को आप दो बार ले सकते हैं नोनी जूस को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा एलोवेरा रस। दोस्तों एलोवेरा आपने देखा होगा अब तक हमारे सारे प्रोडक्ट्स में ये डला हुआ था, एलोवेरा रस जो है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए एलोवेरा के वैसे तो इतने सारे बेनिफिट हैं कि हम लोगों को दिन रात पूरे रात भी निकल जाएगी तो भी इसके बेनिफिट जो है वो खत्म नहीं होंगे, बट फिर भी हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आज ऐसे बताएंगे जो आप जिनको आप खुद याद रख के या किसी को समझा के आप एलोवेरा जरा हमारा प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा को ये समझ लीजिए संजीवनी बूटी कहा जाता है, संजीवनी बूटी। एलोवेरा को उसके अंदर क्या बोलते हैं, आयुर्वेद के अंदर संजीवनी बूटी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, बालों से लेकर चेहरे की खूबसूरती तक, त्वचा में निखार से लेकर घावों के भरने तक, सेहत की सुरक्षा, मोटापे में भी बहुत सहायक है दोस्तों। तो एलोवेरा जो है फर्स्ट एड प्लांट के नाम से जाना जाता है, अगर कहीं कटा फटा जला होता है तो हम एलोवेरा के प्लांट को वो उसका गूदा निकाल के हम लगाने की सलाह देते हैं। एलोवेरा जूस की बात करें दोस्तों, ये आपके इंटेस्टाइन की ये बेसिक नीड है, आपके इंटेस्टाइन में आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपके बीपी को कंट्रोल रखता है। अगर कोई शुगर लेवल को बैलेंस करता है, मैंने बताया था आइमोडीन नाम का इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है। आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में दोस्तों बहुत हेल्पफुल है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, सिस्ट है, उसको दूर रखता है, इम्यून सिस्टम को बेटर बनाता है, बिल्ड करता है। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 से 75 तरह के इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स, विटामिंस हैं इसके अंदर, विटामिन ए, ई एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन जिसमें पाए जाते हैं, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक पाया जाता है जो कि हमारे खनिज पदार्थ होते हैं। दोस्तों इसका बेस्ट यूज तब होगा जब आप सुबह खाली पेट इसको 150 ग्राम पानी के साथ, 150 ml पानी के साथ इसको लेंगे तो इसका बेस्ट यूज होगा। दोस्तों कौन कौन सी बीमारियों से आप इससे दूर रहेंगे मैं समझा देता हूँ, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, मोटापा है, लीवर के फंक्शन है, स्किन है, हेयर है, ब्लड प्यूरीफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स ठीक रखता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था संजीवनी इसे क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है हर एक तरह के आपके बॉडी फंक्शंस को, बॉडी के ऑर्गन्स में कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट जरूर मिलता है दोस्तों। तो इसको जरूर आप एक हेल्दी पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं। एलोवेरा, त्रिफला रस ये हैं, पंच तुलसी ड्रॉप है, ये हेल्दी इंसान भी अगर रेगुलर अपनी लाइफ में लेता रहेगा तो कभी वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। दोस्तों ये था हमारा एलोवेरा, इसके लिए आपको वही सुबह शाम 150 ml पानी आपको लेना है, और सुबह खाली पेट भी सुबह शाम को भी खाली पेट आपको इसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ दोस्तों हम चलते हैं, जिसका नाम है जेसी ऑयल। जेसी ऑयल के बारे में आपको बताए थे दोस्तों, जेसी ऑयल का नाम है पूरा ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल।
क्यूरेटर वो होता है ना, पिच क्यूरेटर होता है, पिच को चेकिंग करते हैं, ऐसे ये जॉइंट की चेकिंग करता है, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ठीक करता है। इसमें चार इंग्रेडिएंट है दोस्तों, बेसिक इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना चाहूँगा। पुदीना सत है दोस्तों, पुदीना सत नेचुरल पेन रिलीवर है, आपके उस जॉइंट में कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक रखेगा उसको। अजवाइन दोस्तों, अजवाइन बेसिकली पेन किलर का काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, किसी तरह की जलन को आपके उससे दूर रखता है। कपूर है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कैम्फोर कहते हैं, जो ठंडा गर्म सेंसेशन आपके दूर रखता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। लास्ट में नीलगिरी, जिसको हम यूकेलिप्टस कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर टेनिस नाम का एक तत्व होता है, TANNIS, टेनिस नाम का तत्व होता है, जो कि आपके स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, जो भी इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सूजन होती है उसको कम करता है, पेन को कम करता है, और अर्थराइटिस गठिया में दोस्तों बहुत कारगर है। देखिए आपके इंस्टेंट आपको रिलीफ देने में बहुत कारगर है, आपको इन्फ्लेमेशन जॉइंट में नहीं होती है, फिर आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है दोस्तों, इसलिए आपको आपके आपके जॉइंट्स को मूव करने में दिक्कत नहीं होती, उनकी इलास्टिसिटी बनी रहती है। किसी भी तरह का बैक पेन है, नी पेन है, मसल पेन है, पैरों में दर्द है, तो कहीं भी आपको ऐसा है, आप इसको अप्लाई करके रब कर सकते हैं दोस्तों, इसकी मसाज नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ, हमारे किसी प्रोडक्ट की ऐसे मसाज नहीं करनी होती, इनको अप्लाई किया अफेक्टेड एरियाज पे, सिर्फ रब किया, वो भी एक मिनट से कम इनको रब करेंगे तो आपको जो है इसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। ये हमें सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है, मैं आपको बताना चाहूँ, इसको आप बॉडी के अंदर नहीं लेके जा सकते, आपको इसको पीना नहीं है किसी भी सूरत में दोस्तों। मैं आपको इसका एक बेनिफिट और बताता हूँ, अगर कोई इंसान को जैसे इसमें लिखा है कफ है, कोल्ड है, सिचुएशन में आपको हेल्प करता है दोस्तों, कैसे हेल्प करता है मैं बता देता हूँ। किसी इंसान को कफ है, कोल्ड है, आपको पता है इस पे कपूर है, नीलगिरी है, तो ये सब काम आपके वैसे भी बहुत अच्छे करता है दोस्तों। आप क्या करें, जब भी आपको कफ या कोल्ड हो, अगर आप भाप लेते हैं तो दोस्तों भाप के अंदर 2 ड्रॉप जेसी ऑयल की और 2 ड्रॉप पंच तुलसी ऑयल की आप डाल लेंगे, तो आपके भाप के बेनिफिट जो है कई कई गुना बढ़ जाएंगे और रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। 2 बूंद आपको पंच तुलसी ड्रॉप डाल लें, 2 बूंद आपको जेसी ऑयल डाल लें, और उसके बाद आप भाप लेंगे तो आपके इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। एक्सटर्नल यूज ही करना है इसका, कोई इंटरनल यूज नहीं करना, और दिन में 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं, बॉडी पे लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपको कोई सांस लेने में दिक्कत है, खांसी जुकाम में, तो आप अपनी इसको चेस्ट पे भी आप इसको रब कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एक्सपर्ट की तरफ दोस्तों, इसका नाम है जेसी जेल। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जेसी जेल और जेसी ऑयल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। जॉइंट क्रिएटर जेल जो है जॉइंट क्रिएटर ऑयल का, इसके अंदर आप देखेंगे सारे जो है बेस इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है आप देखेंगे तो। इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल हमने डाला है ताकि जेल फॉर्म में बने, पुदीना सत, अजवाइन सत, कपूर और नीलगिरी ऐसे एसिडस फॉर्म में डले हुए हैं दोस्तों। बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट है इन जेसी जेल के जैसे जेसी ऑयल के हैं। ये आपकी स्किन को ऑयली बनाता है, जिससे जो है आपके रिजल्ट्स की क्वालिटी जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है जेसी ऑयल से दोस्तों। जैसे हम नॉर्मल पर्सन है, मैं और आप हैं, अगर हम जेसी ऑयल भी लगाएंगे तो हमें बेनिफिट उसी टाइम मिल जाएगा। जेसी जेल जो है वो स्पेशली हम रिकमेंड करते हैं पर्सन्स को, एथलीट्स को, जो जिनके जॉइंट जो है ज्यादा यूज होते हैं भाग दौड़ में, या जो एक्टिव लोग रहते हैं उनको अगर हम जेसी जेल अगर रिकमेंड करेंगे तो उनको ज्यादा असर जो है जल्दी मिलेगा। तो जेसी जेल जो है रिकमेंड करें हम ज्यादा मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट को, जेसी ऑयल जो है आप और हम जैसे लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दोनों प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं है। आगे चलें दोस्तों, ओके फाइटर्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल। दोस्तों गिलोय के बारे में तो हम कितनी ही लंबी बात कर सकते हैं एलोवेरा की तरह। आपको पता है जब से कोरोना महामारी आई है तब से गिलोय के भाव कितने बढ़ गए हैं, आपने तो ध्यान दिया ही होगा दोस्तों। देश की सरकार कह रही है गिलोय अपने घर में लगाइए, गिलोय का काढ़ा बनाइए, गिलोय लीजिए, गिलोय पीजिए, तो लोग सारे लगे हुए। हम बोल रहे हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई साहब, आप गिलोय जूस लो, गिलोय कैप्सूल लो, हम आपको देते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट बना हुआ, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से बना हुआ प्रोडक्ट हम आपको देंगे, बिल्कुल प्योर गिलोय जूस और प्योर गिलोय एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स। दोस्तों वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिर भी दोस्तों हम आपको कुछ बेनिफिट्स बिल्कुल बताएंगे। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कोई क्रॉनिक फीवर, क्रॉनिक कोई वायरल है उसको बिल्कुल ठीक रखता है। क्रॉनिक का मतलब होता है जो भी बीमारी आपको 10-15 दिन से ज्यादा चल जाती है होती है उनको हम क्रॉनिक कह रहते हैं। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है दोस्तों, डायबिटीज में हेल्पफुल है, आपके शुगर लेवल को डिक्रीज करने में, मेंटेन रखने में हेल्प करता है दोस्तों। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसमें आपको बिल्कुल ठीक रखता है, वो कम करता है आपकी बॉडी से कोई टेंशन है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में दोस्तों बहुत हेल्पफुल है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में फाइट करता है। अर्थराइटिस में दोस्तों ये हेल्पफुल है, अर्थराइटिस को कंट्रोल करता है, आपको दर्द वर्द नहीं होने देता है जॉइंट्स में, आपके गांठ नहीं पड़ने देता है। आपके विजन को इम्प्रूव करता है दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है,
एजिंग के साइंस को कम करता है दोस्तों। तो ये थे बहुत सारे बेनिफिट्स में से गिलोय के थोड़े से बेनिफिट्स। ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत सारा काम करता है, बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए हमारे पास दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है, चाहे आप गिलोय जूस ले लीजिए, चाहे आप गिलोय कैप्सूल ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कस्टमर को लेने पे। अगर वो जूस पीना पसंद करता है तो वो जूस ले सकता है। नींबू सबके साथ खट्टा इसका टेस्ट है, बहुत टेस्टी जूस है ये। या फिर वो टैबलेट ले सकता है, जो 30 टैबलेट्स आती है, 1 से 2 टैबलेट दिन में ले और इसको आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं लेके। गिलोय के पूरे बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। आप इसमें से कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को या हेल्थी पर्सन जिसको भी चाहिए। गिलोय जूस या गिलोय कैप्सूल दोनों से कोई भी चीज दे सकते हैं, दोनों के बेनिफिट बिल्कुल सेम है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सबसे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जिसका नाम है डेंटोडॉक क्रीम, जिसको मैं मिरेकुलस प्रोडक्ट भी कहता हूँ दोस्तों। मिरेकुलस प्रोडक्ट क्यों कहता हूँ दोस्तों, देखिए पुदीना कपूर, बजरंती लवंग, छोटी पिपाई, वियादी वंग, बबूल, अकरकरा, तोमर, दोस्तों ये आपके दांतों के लिए इतनी जबरदस्त चीजें हैं, इतने जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि आपके दांतों को हमेशा स्ट्रांग रखेगा। अब बात तो रही दांतों के कीड़ों की, कैविटी की, सेंसिटिविटी। दोस्तों सेंसिटिविटी का मतलब पता है ना आपको, ठंडा गर्म लगने की जो प्रॉब्लम होती है। आप ठंडा खाओगे तो आपके दांतों में बहुत ठंडा लगेगा, आप गर्म पियोगे, गर्म खाओगे तो आपके दांतों में बहुत गर्म लगेगा। तो पायरिया मतलब आपके जब मसूड़े सड़ जाते हैं, बैड ब्रीथ है आपको, या कोई दांतों में सड़न या किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम की, दोस्तों ये बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इसको बिल्कुल रिकमेंड करें, खुद भी यूज करें और लोगों को भी बताएं। ये भी आपको पता है ये दुनिया में सारे लोग ऑलमोस्ट ब्रश करते ही हैं, तो आप ये प्रोडक्ट उनको रिकमेंड बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, मैं बता दूं आपको। दूसरी चीज, अब इसके मिरेकल शुरू होंगे, आप इसको पढ़ें ध्यान से। ओरल कैंसर है या मुंह में आपके छाले हैं तो उसमें बहुत कारगर है दोस्तों। थोड़ा सा आप मटर के दाने जितना इसको आप उंगली में लें और अपने मुंह के अंदर लगा लें, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तो और ये एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह भी काम करता है। एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह दोस्तों, किसी आपकी बॉडी पे कोई कट लग गया है, कोई बर्निंग सेशन है, कोई जल रहा है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। पूरी बॉडी में कहीं खारिश हो रही है, रिंग वर्म्स, दाद हैं आपके चेहरे पे, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है और क्रैक हील है दोस्तों, वहां पे इसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना कोई झिझक के। सारी चीजें आपको ठीक करेगा। देखिए कितना मिरेकुलस प्रोडक्ट है, क्या क्या चीजें ठीक कर रहा है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम में काम करता है दोस्तों। आप कहोगे सर स्टमक अल्सर ये कैसे है? दोस्तों मटर के दाने जितना आधे पानी में घोल के इसको आप डेली 1 से 2 बार लेंगे तो इन सब चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक अल्सर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, सबको रिकमेंड कर सकते हैं आप। टूथपेस्ट बदलवाइए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, डेंटोडॉक क्रीम। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों बेरीडॉक जूस। अब बेरीडॉक के बारे में आपको तो बहुत सारी बातें बताएं, अकाई बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गोजी बेरी, दोस्तों बहुत सारी बेरीज ऐसी हैं जो इम्पोर्ट भी कई बार करनी पड़ते हैं इंडिया में, और बहुत अच्छी क्वालिटी, हम बेस्ट क्वालिटी की बेरीज यूज करते हैं। तो बेरीज के अंदर दोस्तों 200 से भी ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे 200 से ज्यादा विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स और फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखते हैं। चेरी है, आमला है, नोनी है, एलोवेरा है, कीवी, ब्लैक ग्रेप्स, कोकम फ्रूट, एप्पल, लेमन, ऑरेंज, लीची, बीटरूट, पोमग्रेनेट और सी बकथोन, दोस्तों बेसिकली सारे प्रोडक्ट वो हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा जो है दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है आपकी बॉडी में सर दोस्तों, तो ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट आपके पास ज्यादा होते हैं तो फ्री रेडिकल्स दोस्तों वो होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, जब आपको कोई बीमारी या कोई डिसीज होती है तो आपके कुछ टिश्यूज और सेल्स जो है वो डैमेज बच जाते हैं, और जो खुद डैमेज होने के कारण औरों को भी डैमेज करते हैं दोस्तों। यही बात है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है कि उन डैमेज सेल्स और डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करना और किसी और को खराब नहीं होने देना, मेन काम इनका दोस्तों ये होता है। ठीक है, और उसके बाद बेरीडॉक जो है दोस्तों आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन वाला रिस्पॉन्स, ब्लड शुगर आपके ब्लड में जो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको इंसुलिन से न्यूट्रलाइज करता है। इसके पास एक इंसुलिन जैसा रिस्पॉन्स ही होता है, ये इंसुलिन नहीं होता है, ये तो नेचुरल इंग्रीडियंट आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, नेचुरल जूस है दोस्तों ये, बट इसमें ऐसा एक मतलब इंसुलिन रिस्पॉन्स, जैसा इंसुलिन रिस्पॉन्स करता है शुगर के लिए ये वैसा ही रिस्पॉन्स करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। इतने सारी चीजें होने के बाद ये सोल्यूबल फाइबर होता है इसके अंदर, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल ठीक रखता है, और इतने सारी चीजें होती हैं तो सर दोस्तों आपको कैंसर होने की जो शिकायत है पूरी जिंदगी में कभी नहीं आती है। बेरीडॉक जूस दोस्तों आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखता है, जो आपके हार्ट से होने वाली डिसीजेस को, हार्ट पंपिंग को, ब्लड को बिल्कुल
आर्टरीज को बिल्कुल काम करता, आर्टरीज को ब्लॉकेज खोलता है और आपके ब्लड फ्लो को बिल्कुल हेल्प करता है। दोस्तों स्किन रिंकलिंग, स्किन में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, फेस पे पिगमेंटेशन है, ये उसमें बहुत कारगर है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट का भरमार है, ये इतने तरह की बेरीज यूज हुई है तो एंटीऑक्सीडेंट का भरमार है दोस्तों। आप इसको डेली 30 ml ट्वाइस आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बेरीडॉक जूस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों बेरीडॉक कैप्सूल। मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, वैसे तो बेरीडॉक कैप्सूल और बेरीडॉक जूस में कोई डिफरेंस है नहीं। एक मिनट दोस्तों, प्लीज पानी पी लूं, प्लीज होल्ड कीजिए। माफ कीजिएगा दोस्तों, पानी पी रहा था, एक मिनट दोस्तों। तो ये सब्सिट्यूट है बेरीडॉक जूस का, बेरीडॉक कैप्सूल जो है सेम इंग्रेडिएंट है, सेम इफेक्टिवनेस है। बेरीडॉक कैप्सूल के सर एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और प्रीमैच्योर एजिंग भी आपकी कम करता है। आपको पता होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो होता है जब आपके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखता है। मैंने भी पहले डिस्कस किया था आपसे इससे लास्ट स्लाइड में, आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स ऐसी एसेंशियल फैटी एसिड्स को डालता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है दोस्तों आपका, और हेल्दी इम्यून सिस्टम को रीइंफोर्स करता है। पहले आपका इम्यून सिस्टम अगर किसी कारणवश किसी बीमारी की वजह से वो खराब हो गया था तो उसको आपके प्रतिरक्षा तंत्र को बिल्कुल ठीक रखता है। आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, आपके जो मेटाबॉलिज्म आपके फैट लॉस और वेट लॉस में हेल्पफुल होता है उस मेटाबॉलिज्म को ये तेज करता है, और आपके जॉइंट फंक्शंस को, हेल्दी जॉइंट फंक्शंस को सपोर्ट करता है, आपके जॉइंट में पेन या दर्द नहीं होने देता है दोस्तों। 30 कैप्सूल्स वेज कैप्सूल्स है हमारे पास, 1 से 2 कैप्सूल्स आप डेली जो है सुबह शाम, या 1 कैप्सूल डेली ले सकते हैं। 30 डेज के अंदर आप इसको बिल्कुल खत्म करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक मिनट दोस्तों त्रिफला रस। त्रिफला रस के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं बहुत अच्छे से दोस्तों। त्रिफला रस बेसिकली आयुर्वेद में 3 फलों से बना हुआ रस है। 3 फल कौन कौन से हैं दोस्तों? आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इनको हम कहते हैं आंवला की, विविधता की और हरिता की दोस्तों। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक इश्यूज में बिल्कुल आपको ठीक रखता है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज बिल्कुल नहीं होने देता है, गैस रिलेटेड इश्यूज आपको नहीं होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन से आप दूर रखता है। यहाँ तक कि 40-40 साल पुराने कॉन्स्टिपेशन जो है त्रिफला से ठीक हुए हैं दोस्तों। विटामिन और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी के यूज में आपको पहले बता चुका हूँ, आंखों के लिए और उसके आपके आंखों के लिए और स्किन के लिए तो अच्छे होते ही हैं, कि साथ में आपका जो है ये ब्रेन के सेल्स को भी रिपेयर करता है। दोस्तों और डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें जो है आप त्रिफला के जो यूज है आप 2 तरह से कर सकते हैं, आप खाली पेट भी इसको ले सकते हैं, आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, खाली पेट लेंगे तो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज बिल्कुल ठीक रहेंगे, और अगर आप खाने के बाद लेंगे तो ये डाइजेशन सिस्टम को आपके इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा अच्छे से, और आपके हेल्दी लिवर हेल्दी स्टमक को और हेल्दी डाइजेशन को ये बिल्कुल रखेगा दोस्तों। 80% बीमारियां जो होती हैं वो आपके डाइजेशन सिस्टम की वजह से होती हैं, तो अगर डाइजेशन सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक रहेगा तो आपको इन बीमारियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। त्रिफला रस दोस्तों आप, मैंने बता दिया 30 ml आप खाली पेट इसको ले सकते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक रखेगा, और अगर खाने के बाद लेंगे आधे घंटे बाद तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों वीन डॉग। दोस्तों आप देखेंगे फोटो के अंदर आपको दिख रहा होगा, ऐसा एक नसों का गुच्छा बन जाता है, वेरिकोज वेन्स कहते हैं इनको। इसके अंदर लेवेंडर, जिंजर और तिल सीड्स, बेसिकली तिल का तेल होता है बेसिकली इसके अंदर, जो कि आपकी सब तरह की वेन्स की प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण है। वेरिकोज वेन्स हो या बॉडी में कहीं भी आपको लेग में पेन हो, बैक में पेन हो, नेक में पेन हो, आपको
नसों की वजह से, तो वहां पे आप इसको बिल्कुल सिर्फ अप्लाई कीजिए और इसको रब कर दीजिए, आपको मसाज नहीं करनी है, अप्लाई करके रब करना है, दैट्स इट। और आप दिन में इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक्सटर्नल यूज ही है इसका, कोई इंटरनल यूज आप ना करें किसी भी तरह से, एक्सटर्नल यूज ही करना है, मतलब आपको स्किन के ऊपर ही इसको लगाना है। स्किन, मैंने आपको एक हेल्दी आपको दिखा रखी है, नीचे लेग्स हैं और एक वेरिकोज वेन्स है। दोस्तों पैरों में क्रैम पड़ जाते हैं, दर्द बहुत होता है, चला नहीं जाता आप लोगों से, तो ये वीन डॉग ऑयल जो है दोस्तों वहां पे काम आएगा। दिन में 2 से 3 बार आप इसे यूज कर सकते हैं और आप इससे फायदा पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3-4 बूंद लेके आप इसको अपने हाथ पे रख के अपने उस स्वेलोड विंग्स पे, जो जो भी वेन्स स्वेल्ड है, जिनको बोलते हैं सूजी हुई है, उन पे ये बिल्कुल काम करता है अच्छे से। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका नाम है किट जी डॉग। किट जी डॉग के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो है इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी बच्चे के दिमाग को या किसी के भी दिमाग को मतलब अच्छा और हेल्दी बनाएंगे। सेब एक्सट्रैक्ट है, ब्राह्मी, तुलसी, सुंथी, गिलोय, शंख पुष्प, अश्वगंधा, सौंफ, पान की पत्तियां, काली मिर्च और विदारी खंड। दोस्तों 5 साल से कम के बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट है। 10 ml दिन में 2 बार दीजिए आप। और इसको देने के बेनिफिट्स दोस्तों ये हैं कि ये मेंटल ग्रोथ को एनहेंस करता है, बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चा जो है जब बड़ा होकर व्यस्क बनेगा, अडल्ट बनेगा, तो वो एनालिटिकल और एक अच्छा सोच समझ के एक समझदार इंसान बनने के उसके ज्यादा चांसेस हैं। अभी से अगर आप बहुत बचपन से उनको आप ये सब चीजें अगर सही मात्रा में उनके ब्रेन तक पहुंचेंगे, तो एक व्यस्क बन के वो बहुत ही अच्छे सोच समझ कर चलने वाले इंसान बनने के चांसेस हैं उसके। आपके बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों फिजिकल ग्रोथ कई बार क्या होता है कि अंडरवेट रह जाता है बच्चा, 5 साल तक उनका बच्चा ढंग से कुछ खाता पीता नहीं है, तो उसको अगर आप ये देंगे तो उसकी भूख बढ़ेगी, फिजिकल ग्रोथ होगी और इम्यूनिटी भी रहेगी दोस्तों। और ओवरऑल बच्चों को कई बार आंखों की प्रॉब्लम होती है जब वो बच्चे कम एज में होते हैं, फोन्स की वजह से, फोन यूज या टीवी ज्यादा देखना। 5 साल के बच्चे आजकल बहुत शरारती और इंटेलिजेंट होते हैं इन सबके गैजेट्स के मामले में, तो उसमें आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स दोस्तों सबके काम करते हैं। और दूसरा दोस्तों कई बार क्या होता है, कईयों की मेंटल एज जो है वो फिजिकल एज से कम रह जाती है। जैसे मेंटल एज रह गई 8 साल, फिजिकल एज है 15 साल, तो दोस्तों उस केस में जिनको हम मंदबुद्धि भी कह सकते हैं, उन बच्चों को 16 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं, आपको इफेक्ट इसका बिल्कुल अच्छे से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 5 साल से कम के बच्चे जो नॉर्मल हेल्दी बच्चे हैं, और 16 साल तक के उन बच्चों को दे सकते हैं जिनकी मेंटल एज जो है वो फिजिकल एज से काफी कम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है कफ डॉग। दोस्तों कफ डॉग प्रोडक्ट है ये, बेसिकली इसमें अपर वसाका, अपरमर्ग, पिपली, तुलसी, सौंठ, मुलेटी, लवंग, सोमलता, दालचीनी, शहद और पुदीना सब दोस्तों किसी भी तरह कफ की प्रॉब्लम को आपकी बॉडी से बिल्कुल दूर कर देंगे। बहुत ही कम टाइम में सब तरह के कफ को नष्ट कर देगा, चेस्ट कफ हो, ड्राई कफ हो, टिकलिंग कफ हो, ब्रोंकाइटिस हो, पोस्ट वायरल कफ हो, सबको ठीक करेगा। दोस्तों ब्रोंकाइटिस के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। ब्रोंकाइटिस दोस्तों 10 से 15 दिन से ज्यादा चलने वाली खांसी ब्रोंकाइटिस की फॉर्म ले लेती है, जिसमें आपको इनहेलर की जरूरत भी पड़ सकती है। दोस्तों ब्रोंकाइटिस 10-15 दिन के बाद या 1 महीने की खांसी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। 3 से 4 महीने की खांसी अगर आपको बढ़ जाए तो वो टीबी के लक्षण भी होते हैं। दोस्तों हमारे कफ को आपको हल्के में लाइटली नहीं लेना है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कफ डॉग बिल्कुल यूज करें। जिनको कफ की प्रॉब्लम है कफ डॉग लीजिए, बहुत ही जल्दी दिनों के अंदर ये आपके कफ को बिल्कुल गायब कर देगा, ठीक कर देगा, बिल्कुल आपको हेल्दी बनाएगा। ये लॉन्ग टर्म लेने वाले प्रोडक्ट नहीं है, कफ डॉग जो है आप वो शॉर्ट टर्म ही लीजिए इसको, और अपना आप इसमें इससे पूरी तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कफ डॉग के बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट फीवर डॉग। फीवर डॉग के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये फीवर डॉग प्रोडक्ट ऐसा है हमारा जो फीवर के टाइम पे बहुत यूजफुल है। इसके अंदर मेन प्रोडक्ट है दोस्तों पपाया और गिलोय, जैसे यही दोनों चीज है। जो पपाया के पत्ते दोस्तों, पपाया लीव जो है आपको पता है डेंगू के फीवर में काम करती है, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करती है। आपकी बॉडी में फीवर है किसी भी तरह का या बॉडी क्रैम्प जब पड़ते हैं आपको, तो उसमें बहुत हेल्पफुल है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करती है। नीम पत्र जो है दोस्तों किसी भी तरह के आपको बैक्टीरियल वायरल इफेक्ट को दूर रखते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है नीम पत्र, और उससे आपको वायरल भी नहीं होने देता है। मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल वीकनेस को दूर रखते हैं, इसमें अश्वगंधा है, व्हीट ग्रास है, आपके हार्ट को बिल्कुल ठीक रखेगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम एलोवेरा है इसके अंदर, और त्रिफला, ये बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रखेंगे। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो हम इन सब बीमारियों से बिल्कुल इनसे दूर रहेंगे। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है हमारा थायराइड डॉग। थायराइड डॉग के बारे में दोस्तों बताएंगे, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के बीचों बीच एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसने हमारे ये हड्डी को एकदम पकड़ रखा, ये हड्डी के आसपास होता है हमारे, जिसका साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है उस हिसाब से हमें थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों थायराइड दो तरह का होता है, हाइपर
हाइपरथायराइड और एक हाइपोथायराइड। दोस्तों हाइपरथायराइड में वेट बढ़ता है, हाइपो में कम होता है। तो अश्वगंधा, ब्रह्मी, नेटल लीफ, अलसी, जिंजर, मुलेठी, धनिया, जीरा, अजवाइन और निकतू, दोस्तों ये आपके थायराइड ग्लैंड के साइज को प्रॉपर रखते हैं और उसको ना हाइपर होने देते हैं ना हाइपो होने देते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो भी इम्बेलेंसेज होते हैं उनको ठीक है। हमने ऐसा सुना है कि थायराइड की प्रॉब्लम जो है दोस्तों इसकी दवाई जो है वो जिंदगी भर खानी पड़ती है, बट दोस्तों आयुर्वेद में हर एक चीज का जो है वो इलाज है। हम आपको बताना चाहेंगे थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, आप उनकी एलोपैथी दवाई को ना छुड़वाएं। हम लोग डॉक्टर नहीं है दोस्तों, हम लोग वेलनेस कोच है। हम लोग उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप ये यूज करके देखिए और आपको रिजल्ट्स आते हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा और रिजल्ट आपको बताइए। हमें अपने मन में पता है कि रिजल्ट इसके आएंगे ही आएंगे। आपके वेट को रिड्यूस करने में दोस्तों बहुत हेल्पफुल है, बॉडी फैट को बर्न करने में सर हेल्पफुल है, जनरल वीकनेस है आपकी बॉडी में उसको ट्रीट करता है, मेंटल स्ट्रेस है दोस्तों उसको आपको दूर रखेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल हेल्दी रखेगा, ठीक रखेगा, जिसके कारण आपको ये सब चीजें दिक्कतें नहीं होंगी। थायराइड दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने के लिए हम रिकमेंड करते हैं 90 डेज बिल्कुल इसको चलाएं, 90 डेज तक बिल्कुल लें इसको प्रॉपर पूरी मात्रा में लें। इसमें कोई ज्यादा कम लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता, मतलब कोई लॉस नहीं है, ये तो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं दोस्तों, जितने शरीर में जाएंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इसका नाम है दोस्तों स्टोन डॉग। स्टोन डॉग दोस्तों बेसिकली ये आपकी बॉडी में किसी भी तरह की पथरी के लिए है। आप ध्यान रखें कि इसके अंदर कुल्थी, कुथ और पलश पुष्प है। ये बिल्कुल आपकी बॉडी में कहीं भी अगर स्टोन होगा तो उसको पिघाल के आपके यूरिन के रास्ते ये बिल्कुल बाहर निकाल देगा। आपकी स्टोन अगर किडनी में स्टोन है उसको भी निकालेगा, यूट्रस मतलब बॉडी में कहीं भी हो स्टोन उसको पिघाल के बिल्कुल निकाल देगा। दोस्तों किडनी के फंक्शन इंप्रूव करता है, किडनी इन्फेक्शन और यूरिनल इन्फेक्शन से आपको बचाता है। प्रोस्टेट कैंसर, दोस्तों मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, एज ए वेलनेस कोच आपको भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग जब यूरिन पास करके खत्म करते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है बार बार थोड़ा और प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे यूरिन बार 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 काफी देर तक आता रहता है। दोस्तों अगर 25 से 30 साल 35 साल की उम्र में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर आपके टेस्टिकल्स में होने वाली एक ऐसी गांठ है जिससे आपको यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, यूरिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं आएगा और आपको दर्द भी होगा। दोस्तों उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, तत्पर रहिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आपके सारे तरह की किडनी पॉइंट्स को ये दूर रखेगा। दोस्तों स्टोन डॉग को हम खाली पेट प्रेफर ज्यादा करते हैं, खाली पेट इसको पानी के साथ 30 ml लेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। लॉन्ग टर्म लेने वाला प्रोडक्ट ये भी नहीं है, जब तक स्टोन आपको लगता है महसूस होती है आप अपना वो पेट का स्कैन कराइए और आप उसको देखिए इसमें स्टोन है तो बिल्कुल आप इसको लीजिए, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड कराइए इसको, आप रिकमेंड कीजिए, बहुत जल्दी स्टोन जो है आपकी वो बाहर निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, आयुर्वेदा में हमारे बहुत पावर है दोस्तों, इसको हल्के में ना लें, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम इनको बोलेंगे तो बिल्कुल भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं हर्बल टी की। हर्बल टी के बारे में तो आपको क्या क्या बोलें, सारी चीजें हमारे रसोई में अवेलेबल है फिर भी हम लोग इसको ढंग से नहीं यूज कर पाते, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं भी होती हैं। तो दोस्तों बनस्पा हो, बनमूल, ब्रह्मी, तुलसी, सौंफ, बड़ी इलायची, गोरखा पान, गोरखपान, अश्वगंधा, काली मिर्च, सौंठ, मीठी नीम, ये सारे के सारे इतने जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं दोस्तों कि आपकी बॉडी में जाते ही ये स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर भगा देंगे, आपकी एज को बढ़ता हुआ नहीं दिखाएंगे, एंटी एजिंग आपकी बॉडी को बना देंगे। स्किन के लिए बहुत जबरदस्त, जब एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाते हैं तो स्किन जो है वो बहुत आपकी ग्लो करना और बिल्कुल फिट रहना ठीक रहना शुरू कर देती है। आपकी बॉडी का फैट बर्न करेंगे, वेट लॉस करेंगे दोस्तों, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर ठीक रखेंगे, इम्यूनिटी को आपको एनहेंस करेंगे और डिटॉक्सिफाई करेंगे बॉडी को। जैसे ही बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है आपका ब्लड जो है स्किन जो है वो बिल्कुल प्यूरीफाई होना शुरू हो जाते हैं, आपको अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हम सिर्फ ये चाहते हैं आप अपनी नॉर्मल टी इनटेक को अगर आप हमारी हर्बल टी से रिप्लेस कर देंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। दोस्तों इसको सिर्फ उबले हुए पानी में इस पाउडर को डालना और आपकी हर्बल टी बिल्कुल तैयार। अच्छा आप लोग मिल्क और शक्कर भी आप यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं, आप दूध और शक्कर हमारी इस हर्बल टी में डाल के भी पी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है एलर्जी डॉग। एलर्जी डॉग के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी तरह की एलर्जी हो, वैसे तो 100 से ज्यादा तरह की एलर्जी होती है जितना मैंने सुना है, जितना पढ़ा है, उन सबको ये ठीक करता है। गिलोय, नीम, तुलसी, ब्रह्मी और हल्दी दोस्तों ये सब एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट्स हैं। एंटी एलर्जी, एलर्जी के सिम्टम्स दोस्तों क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाल लाल धब्बे पड़ना बॉडी के ऊपर, रैशेज होना और लैक्रिमेशन होना, आपकी आंखें बहना, नाक बहना, आपको छींक आना, स्नीज होना, आंखें लाल होना आपकी और बॉडी पे इचिंग होना, दोस्तों उसके अंदर ये बहुत कारगर है।
आपको किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, जैसे दवाई से एलर्जी, खाने से एलर्जी, इंसेक्ट एलर्जी, पेड़ पौधों से एलर्जी हो सकती है, या रबड़ से एलर्जी हो सकती है। मेन मेन एलर्जी हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, उन सब एलर्जी में कारगर है दोस्तों। एलर्जी तो अभी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट नहीं है, जब तक आपको एलर्जी रहती है, एलर्जी बिल्कुल खत्म होती है तब तक आप इसको लीजिए। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में दोस्तों बहुत हेल्पफुल है ब्रोंकाइटिस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जब 10 से 15 दिन से ज्यादा खांसी आपको रहती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं दोस्तों। वो अस्थमा भी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको टीवी बन सकता है वो आगे जाके। तो दोस्तों अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में अगर आपका इनहेलर के चांसेस बहुत ये कम करता है, और आपको ब्रोंकाइटिस और जो है सारी सब तरह की एलर्जी, ब्रोंकाइटिस भी एक तरह की एलर्जी होती है, ये आपको धीरे धीरे ठीक करता है। ठीक है दोस्तों, एलर्जी डॉक रस सिर्फ एलर्जी के लिए काम करता है, एलर्जी किसी भी तरह की हो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों वायरल डॉक। ये वायरल डॉक बेसिकली क्वात है, जिसको हम काढ़ा कहते हैं। हमारे जो आयुष मंत्रालय ने इसको आपको पता है रिकमेंड करने को बोला था, जब कोरोना काल चल रहा था तो उन्होंने बोला था कि ये सब चीजें अगर आप काढ़ा बना के पियेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप एंटीवायरस हो जाएंगे, आपको वायरस और बैक्टीरिया जो है वो आपको इतना वो प्रॉब्लम नहीं देंगे। सर पपीते की पत्ती, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, हरड़, बैड़ा, आंवला जिनको त्रिफला कहते हैं, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, जिंजर, बुलेठी, गार्लिक, ये सब चीजें हैं दोस्तों जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, किसी भी तरह के वायरल को, एलर्जी को, इन्फेक्शंस को तो आपके बॉडी से दूर रखती है। थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, बिल्कुल ठीक रखती है। आपकी आपकी बॉडी में फीवर, कोल्ड, कफ जैसी प्रॉब्लम नहीं होने देती है। नॉर्मल आप इसको काढ़े की तरह बनाएं, इसको उबले हुए पानी में डालें, जब पानी आधा हो जाए तो अपने कप में निकाल के इसको पी जाएं। दिन में 2 से 3 बार आप इसको पियेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे दोस्तों। वायरल डॉग जो है हमारा क्वाथ है, काढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलर्जी डॉग। एलर्जी डॉग को के बारे में हम आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए एलर्जी सॉरी एडिक्ट डॉग दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम नशे की लत को छुड़ाने के लिए यूज करते हैं, बट दोस्तों हम किसी को बिना बताए ये नहीं दे सकते। आप ध्यान रखिए, नशा सिर्फ वही इंसान छोड़ सकता है जो खुद नशा छोड़ना चाहता है। हम इसको बिना बताए किसी को नहीं देंगे। इसमें भृंगराज, आंवला, ब्रह्मी, तुलसी, भुई आंवला, गिलोय, नाग केसर, पुनर्नवा, मुलेठी, विदारीकरण, अर्जुन छाल, नीम, लवंग, हल्दी है दोस्तों। ये हर तरह के एडिक्शन, हर तरह के नशा मुक्ति के लिए, नशे छोड़ने के लिए आपको बिल्कुल हेल्प करेगा दोस्तों। जैसे आपको स्मोकिंग, आपको सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, तंबाकू या बीड़ी खाने की आदत है, या ड्रग की किसी की एडिक्शन है दोस्तों, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल एडिक्टर डॉग आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। आपके ब्रेन को काम रखता है ताकि जो है आपको, और ताकि आपको स्मोक करने की अर्ज ना हो, या आपको शराब पीने की आपको ललक ना लगे दोस्तों। अगर आप खुद छोड़ना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, बिल्कुल है दोस्तों। वैसे भी हमें सब नशा है छोड़ देना चाहिए, इस नशे में किसी का भला तो वही नहीं, आप लोगों ने सबने सुना होगा। आपके ब्रेन मसल्स को रिलैक्स करता है और आपकी बॉडी में ऐसे मतलब ऐसे इंटेंशन पैदा करता है कि आप अच्छी आदतें डालें और ये सब ड्रग्स और जो है आप ये ड्रग्स को बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, एडिक्टर डॉग ड्रॉप है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर कोई इंसान नशा छोड़ना चाहता है तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है ब्रेन डॉग। ब्रेन डॉग रस है दोस्तों, वैसे हमने पढ़ा था अभी वो किडजी डॉग पढ़ा था, उसी का समझ लीजिए, उसी का एडवांस वर्जन है। सुनती, लहसुन, हल्दी, ब्रह्मी, शंख, पुष्प, तुलसी, अश्वगंधा, अनारदाना और शहद, ये सब चीजें यूज हुई हैं जो कि आपके खुद की आईक्यू लेवल को और बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं। 12 साल से ऊपर का बच्चा, ऊपर का इंसान कोई भी इसको ले सकता है। मेंटल अवेयरनेस बढ़ाते हैं आपको, चारों तरफ आपको अलर्ट, मतलब अलर्ट रहते हैं आप, अलर्ट आपकी मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। मेंटल स्ट्रेस है दोस्तों उसको कम करता है, एंग्जाइटी है, कोई टेंशन है उसको दूर करता है। आपको गुस्सा ज्यादा आने की प्रॉब्लम है दोस्तों, शॉर्ट टर्म आपको गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर हो आपको दोस्तों, ये जो है वो भी आपको ये उसमें हेल्प करेगा दोस्तों। इंसोमनिया आजकल कलयुग की बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसको हमें जानते नहीं, हम ढंग से सो नहीं पाते हैं। इंसोमनिया में दोस्तों कई कई दिनों, कई कई रातों तक इंसान सो ही नहीं पाता है, तो उसको ट्रीट करने में ये हेल्पफुल है दोस्तों। इंसोमनिया रिड्यूस करता है, आपको नींद अच्छी दिलाता है। अल्जाइमर की बीमारी दोस्तों, जब एज से पहले इंसान जो है चीजों को भूलने लगता है, उसको हम अल्जाइमर कहते हैं। एज के साथ तो चलो याददाश्त कमजोर होती है, बट यंग एज में या कम एज में अगर आप चीजें भूल रहे हो, उसको अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और सभी तरह की ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये जो है बिल्कुल ठीक करता है।
दोस्तों आज का हम चलेंगे आज के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम है सीबक डॉग। सीबक डॉग जो है दोस्तों बहुत बहुत एक ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं बोलूं तो सीबक डॉग तो सीबक थॉर्न है। सीबक थॉर्न एक ऐसा बेरी जैसा फ्रूट है दोस्तों जो पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो। इसमें हल्दी और जिंजर अदरक का इस्तेमाल बस ये किया गया। आप ये सोच लीजिए सीबक थॉर्न के अंदर दोस्तों आंवला से 80 गुना ज्यादा वाइटामिन सी और कैल्शियम होता है। आंवला से 80 गुना ज्यादा वाइटामिन सी और कैल्शियम होता है, तो आप सोचिए कितना इफेक्टिव पौधा ये, कितनी इफेक्टिव ये फ्रूट है। बेस्ट सोर्स है ओमेगा 367 का, आपकी आईज को बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आप सोचिए कितने अच्छे इसमें प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, इतने जबरदस्त इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इतने अधिक मात्रा में है कि आपकी एज को ये रिवर्स करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाता है। ड्राई स्किन हो डेड स्किन हो उसको ठीक करता है, फेस पे पिगमेंटेशन झुर्रियां झाइयां सबको ठीक करता है, आपकी आपके रिंकलिंग को दूर करता है जो जिनको हम वो कहते हैं कि झुर्रियां बेसिकली, आपके हार्ट फंक्शंस को बिल्कुल स्ट्रांग रखता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा तो हार्ट फंक्शन अपने आप काम करेंगे। डायबिटीज आप में डायबिटीज नहीं होने देता, हेल्पफुल में बहुत डायबिटीज है, डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। और स्किन इंप्रूवमेंट करता है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इश्यूज हो उसको दूर करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है दोस्तों। और इतने सारे इंपॉर्टेंट होने के बावजूद इसलिए ये इसको हम बोलते हैं ये कैंसर के चांसेस बिल्कुल कम रखता है, कैंसर किसी को नहीं होने देता दोस्तों। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपकी बॉडी को वायरस से HIV तक के वायरस से आपको हटाता है और एक एंटीवायरस सिस्टम की तरह बॉडी में काम करता है। देखा जाए तो हर एक बॉडी पार्ट हर एक ऑर्गन के लिए बहुत यूजफुल है। हेल्दी लीवर फंक्शन सपोर्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और दोस्तों डिप्रेशन में ये हेल्पफुल है दोस्तों। इसको भी आप 30 ml ट्वाइस अ डे आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं बोलूं अपनी मतलब अपना एक 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 आपको एक एक से दूं दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि अकेला प्रोडक्ट जो है वो आपकी पूरी बॉडी के लिए बिल्कुल जबरदस्त चीज है दोस्तों। आज के प्रोडक्ट सेशन की बात तो दोस्तों यही तक थी, कुछ बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं अपनी स्लाइड को यहाँ रोक रहा हूँ। और आशा करता हूँ आपको प्रोडक्ट सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, सारे नोट्स जो है वो आपने बनाए होंगे अच्छे से,